हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होगा कोस्ट गार्ड ऑनलाइन फॉर्म को लेकर। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं और उनके फॉर्म सीजन एक्सपायर्ड हो जा रहा है, या उनके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है। तो उसी मिस्टेक को दूर करने के लिए, सीजन एक्सपायर्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस वीडियो को टारगेट किया है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं कोस्ट गार्ड की, तो आप हमें अकेडमी पर फॉलो कीजिए, और वहाँ पर मैंने मैथ्स की और रीजनिंग की वीडियोस डाल रखी है, उन्हें आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके जो सीज़न एक्सपायर्ड हो रहा, उसका क्या रीज़न है। सो ये पहली बार का कोई ऐसा वो नहीं है कि पहली बार हो रहा है। जब कभी भी इन जो कोस्ट गार्ड के फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो हमेशा, एक बार नहीं, हमेशा ये सीजन एक्सपायर्ड की प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए मैंने फॉर्म भरने से एग्जैक्ट एक दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपसे बोला था कि आपको 26 तारीख वाले दिन ट्राई करना है। ठीक है, 26 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 26 तारीख काफ़ी अच्छे फॉर्म भरे गए थे, यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बट इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी भी मैं आपको बता दूँ कि सुबह आप 4 से 5 बजे के बीच में ट्राई कीजिएगा, या फिर रात को 12 बजे के बाद, 12 बजे से लेकर 5 या 6 बजे तक आप ट्राई कीजिएगा, आपका जो फॉर्म है वो इजीली सबमिट हो जाएगा। बट आप यदि दिन में ट्राई करते हैं, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम सीज़न एक्सपायर्ड का मतलब क्या है। तो सीज़न एक्सपायर्ड का मतलब, जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं, तो उसकी जो सर्वर है ना, वो डाउन हो जाती है, और उसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो सबमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, वो वहीं पर कैंसिल हो जाता है। देखिए, सीज़न एक्सपायर्ड दो तरह से होता है। एक तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन हो गया तब होता है, एक नहीं हुआ तब होता है। यदि आपने, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और वहाँ पर लिखा गया कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है, और उसके तुरंत बाद आपका यदि वो हो गया, तो उसके लिए कोई टेंशन मत लीजिएगा। यदि आपका प्रिंट नहीं निकला है, फॉर्म भर गया प्रिंट नहीं निकला है, तो नो टेंशन रहेगा। उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अभी इंडियन कोस्ट गार्ड अपडेट करेगा वेबसाइट को, तो वहाँ आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, एक सीज़न एक्सपायर्ड होता है, आप पिन कोड डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तुरंत हो जाता है। उसका मतलब है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो उसको दोबारा से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। इसके लिए सॉल्यूशन तो यही है कि आप सुबह जल्दी या देर रात से ट्राई कीजिएगा, ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो सके। मैंने पहले ही इसके लिए अटेंशन वीडियो बना दिया था, ताकि आप अटेंशन हो सको, बट जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, शायद वो लोग अब इस चीज़ को लेकर परेशान है। राइट, अब हम बात कर लें फॉर्म में गलती। देखिए, फॉर्म में गलती कई तरह की होती है। यदि आपने आपके नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम में मिस्टेक किया, तो उसके लिए तो भाई देखिए, आप थोड़ा सा वो कीजिएगा, मतलब कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम देने दिया जाए, एडमिट कार्ड तो आपका कन्फर्म आएगा। बट एक स्टूडेंट्स ने गलती की थी कि उसने 12वीं के जगह 10वीं के मार्क्स डाल दिए, तो उसका कन्फर्म है कि उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। 90% चांस है कि उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, बिकॉज 10वीं के रजिस्ट्रेशन नंबर उन्होंने, 10वीं के मार्क्स वगैरह सब कुछ उन्होंने फिल किए, तो बिल्कुल अलग ही वो वहीं पर दिखेगा। ठीक है, अब बात करें हम छोटी मोटी मिस्टेक्स के बारे में। तो देखिए, आप फॉर्म दोबारा से भी ट्राई कर सकते हैं। यदि आपने एक बार फॉर्म भर दिया, तो आप दोबारा अपनी अलग कोई ईमेल आईडी और अलग मोबाइल नंबर से आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको लेना होगा रिस्क। ठीक है, हो सकता है आपका एडमिट कार्ड आए या नहीं आए, बट दोबारा भरने से 90% चांस है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो यदि आपने बहुत बड़ी गलती की है, कोई चीज़ छोटी मोटी नाम वगैरह की स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने इतनी बड़ी गलती की, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, या फिर फ़ोटो सिग्नेचर में कोई गलती हो गई है, तो आप दोबारा से फॉर्म ट्राई कर सकते हैं और दोबारा से अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बट मेरे ऊपर दोष मत दीजिएगा कि आपने बोला कि वो हो जाएगा, तो इसलिए फॉर्म ज़रूर दोबारा भरिएगा, बट मेरे ऊपर उसका दोष मत दीजिएगा। एडमिट कार्ड आपका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट मैं कहूँगा कि लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग 90% स्टूडेंट्स, मतलब 100% का आया था, बट 90% चांस है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सो यही वीडियो सॉल्यूशन था आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।